So yes, hello everyone and welcome back once again to a new video of Ladigar Accessories. And in today's video, हम आपको दिखाएंगे the most stylish Ertiga, silver Ertiga modified with the all beautiful accessories, front and back में diffusers, LEDs, DRLs, cliding, roof rails, interior, seat upholstery, हर एक चीज आपको इसमें देखने को मिलेगी अगर आपका Ertiga है तो yes, this is the most stylish Ertiga's video, silver color की car. हम लोग ने मैग्मा ग्रे भी रेडी की है, वाइट भी रेडी की है, बट आज जो वीडियो में आपको दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं सिल्वर कलर की अर्टिगा. इसके अंदर ऑलरेडी वी अलॉय व्हील्स लग कर आए हुए हैं, वो जिनकी कार है सर ने शोरूम से ही वो चीज़ लगवा ली हुई है. सो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाती है ये जो अर्टिगा है सिल्वर कलर की, इसकी फ्रंट की लुक. फ्रंट में आपको देखने को मिलता है सबसे पहले इसके अंदर स्पाइडर वाला डिफ्यूज़र जो हमने लगाया हुआ है, ये फ्रंट एंड रियर दो पीसेज में आता है. ड्यूल एग्जॉस्ट की लुक पीछे मिलती है. साथ में हमने आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इसमें फॉग लैंप्स लगाए हैं ल्यूमैक्स ब्रांड के, इसके साथ मैचिंग लगाए हुए हमने DRLs और हेडलाइट्स पे भी हमने DRLs लगाए हैं. प्लस आपकी कार की लाइट को इंक्रीज़ करने के लिए हेडलाइट्स के हाई बीम और लो बीम पे और साथ में फॉग लैंप्स में तीनों में ही हमने वाइट LEDs लगाए हुए हैं. वाइट LEDs आर जस्ट प्लग एंड प्ले बल्ब जो आपकी कार के अंदर सिर्फ पुराने हेलोजन बल्ब को हटाकर लग जाते हैं नए बल्ब और आपकी लाइट को 3 times इंक्रीज़ कर देते हैं. अर्टिगा एक ऐसी कार है जिसके अंदर आपको लाइट इतनी ज़बरदस्त मिल जाती है ये LEDs लगने के बाद कि यू विल लव इट. आपको अगर आपकी नाइट ड्राइविंग ज़्यादा रहती है या आप हाईवे पे ज़्यादा तो ज़्यादा जाते हैं तो आपके लिए ये चीज़ बिल्कुल रिकमेंडेड है, आप बिल्कुल इसको लगा सकते हैं. साइड प्रोफाइल पर अगर आपको लेकर चलूँ तो इसमें हमने साइड लाइटिंग लगा दी है फिलहाल अभी, लोअर विंडो गार्निश, हैंडल क्रोम्स और डोर वाइजर क्रोम लाइन वाले. अभी आपको इसमें हम रूफ रेल्स भी लगाएंगे, वो जैसे लग जाएंगी वो भी आपको देखने को मिलेंगी. तो इसकी पूरी एक लुक को हम चेंज कर देंगे, साइड से जो इसकी एक लुक है वो एक अच्छी और बोल्ड लुक. और यहाँ पर अगर रियर प्रोफाइल की अगर इसकी बात की जाए तो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे बॉडी कलर स्पॉइलर. रियर में जो ड्यूल एग्जॉस्ट वाला इसके अंदर आपको मिलता है देखने के लिए डिफ्यूज़र, ब्लैक एंड सिल्वर कलर का आता है. ये स्टॉक कलर इसका यही है, ऐसा नहीं है कि सिल्वर कार से मैचिंग है. अगर आपकी मैग्मा ग्रे है तब भी इसमें यही कलर रखता है और एक बहुत अच्छी और डिसेंट लुक दे देता है. रियर में आपको कैमरा देखने को मिल जाता है और पिलर लाइट्स मैट्रिक्स वाली और साथ में रिफ्लेक्टर लाइट्स मैट्रिक्स वाली इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं, जो आपको आपके लाइटिंग के सेटअप को पूरा एक कंप्लीट कर देती है. पूरी एक कंप्लीट लुक आपको रियर से भी देखने को मिल जाती है इस कार के अंदर. प्लस जो इसके अंदर हमने साइड लाइटिंग्स लगाई हुई हैं उसका एक मैचिंग आपके डिफ्यूज़र्स के साथ भी प्रॉपर हो जाता है, क्योंकि आगे पीछे और साइड से एक आपको प्रॉपर एक ब्लैक एंड सिल्वर कलर की लुक देखने को मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर, जो आपके फ्रंट प्रोफाइल, रियर प्रोफाइल और साइड प्रोफाइल्स को बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करती है. जो पिलर लाइट्स हैं और जो रिफ्लेक्टर लाइट्स हैं ये दोनों ब्रेक, पार्किंग और इंडिकेटर्स पर चलती हैं, दोनों मैट्रिक्स के साथ ही वर्किंग इसकी मिलती है. और इसके बाद एक जो मेन चीज़ आपकी कार के लिए आपको देखने को मैं यहाँ पर दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा, इसके अंदर हमने की है डैम्पिंग. डैम्पिंग अर्टिगा में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके जो डोर्स हैं वो इतने वाइड और इतने बड़े डोर्स हैं अर्टिगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो एक ओपन वाली फील मिलती है वो नहीं आनी चाहिए. वो एक डोर जिसके हैवी होने चाहिए, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़े से लाइट हैं, तो एक ये डैम्पिंग आपके डोर्स को हैवी कर देती है, आपके जो बाहर की नॉइस है उसको अंदर आने को कम कर देती है. आपको एक प्रीमियम कैबिन मिलता है ये डैम्पिंग कराने के बाद. ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आपकी अर्टिगा में कराने के लिए. अगर आप अर्टिगा आपके पास है या आप ले रहे हैं तो उसमें डैम्पिंग ज़रूर कराइए, क्योंकि एक ये मस्ट ऑन रिकमेंडेड एक्सेसरीज़ है आपके कार के लिए, बिकॉज एक प्रीमियम फील मिलनी चाहिए. साथ में आपको देखने को मिलता है अभी इसके अंदर हम लोग पूरी वुडन किट भी रेडी कर रहे हैं. इसके अंदर जो शेड लगा रहे हैं वो इस बार हमने नया शेड लगाया है, अभी जब लग जाएगा तो उसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा मैं. इसके अंदर हम स्कफ प्लेट्स लगा रहे हैं, एम्बिएंट लाइट लगा रहे हैं, इसके इंटीरियर को भी एक बहुत अच्छा डिसेंट सोबर लुक देने की कोशिश करेंगे. जो स्कफ प्लेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं वो फुल वाली देखने को मिलती हैं, हमने यहाँ पे कोई अक्रैलिक की फुटस्टेप्स नहीं लगाई हैं, ब्लू कलर की इल्यूमिनेशन वाली लगाई है. ये वाली एक ग्लिम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ वुडन इंटीरियर की, जो मैं इसके अंदर हम लोग लगाएंगे. ब्लॉपंग का कील आर्गो सिस्टम लगाया हुआ है, फ्रंट एंड रियर दोनों कैमराज एक्टिवेट किए हुए हैं हमने. जब ये पूरा वुडन कंप्लीट हो जाएगा तो इसका क्या नाम है, इसको लगाने के बाद कैसा एक शेड निकल के आता है आपकी कार के अंदर और कैसे हमने इसको सीट कवर के साथ मैच किया हुआ है, किस कलर के हमने वेनिला कलर के सीट कवर इसके अंदर लगाए हुए हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलते हैं. और सीट कवर की जो फिट एंड फिनिश है वो भी आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर. तब तक आप ये स्टीरियो को फील कर सकते हैं. ब्लॉपंग का स्टीरियो इसके अंदर हम लोगों ने लगाया हुआ है और साथ में हमने पीछे इसके ब्लॉपंग का ही कैमरा लगाया और प्लस फ्रंट में भी इसका कैमरा एक्टिवेट किया हुआ है, सो दैट अगर आपको पार्किंग की प्रॉब्लम रहती है. और अगर देखा जाए कि कार की साइड प्रोफाइल की तरफ आपको क्या देखने को मिलता था, वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है. रूफ़ पे हमने लगाई है XL6 टाइप की रूफ रेल, नीचे की साइड लाइटिंग और ये जो फ्रंट एंड रियर का डिफ्यूज़र मैंने आपको दिखाया है जो स्पाइडर डिज़ाइन में आता है, ये इससे बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता है. पीछे आपको रियर स्पॉयलर आप देखने को मिल रहा है यहाँ पे, लोअर विंडो गार्निश, हैंडल क्रोम्स आपको क्रोम की लुक दे रहे हैं, सो दैट आपकी कार में एक
एक होता है ना कि एक अच्छी सी शाइनिंग लुक भी आ सके आपकी कार में, तो वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है आपको। एक सिर्फ रूफ रेल लगने से और एक स्पॉइलर, और यहाँ पे एक बार नाइट मोड में आपको हम जो DRLs हैं और जो LEDs हैं उसकी लुक किस तरीके से नज़र आती है वो आपको यहाँ पे हम देखने को एक बारी मिल जाएगी। हमारे को हेडलाइट्स में DRL, फॉग लैंप्स में DRL और साथ में तीनों LEDs हमने यहाँ पे चलाई हुई हैं जो फॉग लैंप्स में हमने रिप्लेस की हुई है। यहाँ पे हमें देखने को मिलती है रियर में जो हमने मैट्रिक्स लाइट लगाई है पिलर्स में और रिफ्लेक्टर्स में, उसकी वर्किंग किस तरीके से है। पिलर लाइट्स आपके जो टेल लाइट्स का अपर पोर्शन होता है जो नॉन वर्किंग होता है उसको हम लोग रिप्लेस करके पिलर लाइट्स लगाते हैं आपको, जिसमें ब्रेक पार्किंग और मैट्रिक्स इंडिकेटर देखने को मिल जाता है और सेम एग्जैक्टली वैसे ही मैच करता हुआ रिफ्लेक्टर भी आपको इसमें देखने को मिलता है। ये एक नाइट मोड में वीडियो शूट की हुई है सो दैट आपको लाइट किस तरीके से ग्लो करती है वो हम आपको इस वीडियो में दिखा सकें और आप उस चीज़ का जजमेंट ले सको। ये कुछ इस तरीके से सारा पोर्शन है जो हमने काम किया हुआ है इसके अंदर। इसके बाद अब हम आपको इंटीरियर वर्क दिखाएंगे सारा जो हमने सीट कवर्स वगैरह लगा दिए हैं इसके अंदर, सीट्स कंप्लीट हो चुकी हैं और जो अंदर का वुडन है वो किस तरीके से लगता है एक बार हम उस पर नज़र मरवाएंगे आपको। ये नॉर्मल विदाउट अगर हम बात करें कि भाई इंडिकेटर हम नहीं दे रहे तो किस तरीके से पूरी लुक है, ये लुक आपके सामने आपको नज़र आ रही है कि कितना ज़बरदस्त एक अर्टिगा को मॉडिफिकेशंस की जाएँ, अच्छे से मॉडिफिकेशंस की जाएँ, बढ़िया लगाई जाएँ तो वो किस तरीके से कार निकल के आपके सामने आती है। तो ये एक सारा जो हमने इसकी आउटर लुक बनाई हुई है। यहाँ पे मैं आपको डोर खोल के एक बार दिखाना चाहता हूँ इसका वुडन इंटीरियर जो हम लोगों ने किया हुआ है, मैट वुडन इंटीरियर इसके अंदर हम लोगों ने किया हुआ है। उसके साथ ये डोर पैनल्स भी हमने मैचिंग किए हुए हैं। सो यहाँ पर जो हमने इंटीरियर किया है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, जो हमने इसके अंदर 10 pieces वाली हाइड्रो डिपिंग की हुई है और जो हमने सीट कवर इसके अंदर लगाए हुए हैं उसके साथ के मैचिंग डोर पैनल्स रेडी किए हुए हैं। जो हमने 10 pieces की हाइड्रो डिपिंग इसके अंदर किए हैं, जो हमने शेड लगाया हुआ है उसको कहते हैं मैट गोल्ड वुडन, जो इस कलर का नाम है जो हमने इसके अंदर लगाया हुआ है। साथ में हमने, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ब्लॉपंग का कील आर्गो इसके अंदर हमने लगाया है स्टीरियो, वन ऑफ द वेरी हाई एंड स्टीरियोज जो एंड्रॉयड में इस समय सीरीज़ अवेलेबल है। स्टेयरिंग हमने इसके अंदर इसका डबल कलर में रैप किया हुआ है, जो वनीला कलर के सीट कवर्स लगाए हैं उसके साथ में ब्लैक कलर का ही हमने मैचिंग किया हुआ है इसके साथ, जो आपको देखने को हमें मिल जाता है। प्रॉपर सॉफ्ट सिल्क नापा के अंदर हमने इसको रैप किया है एज टू एज, जो आपको एक बहुत एक सुपीरियर और बहुत एक एलिगेंट फील दे देता है अगर आप स्टेयरिंग को पकड़ते हो अपने, तो एक बहुत आपको एक सोफिस्टिकेटेड और अच्छी फील यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और साथ में जो जो आपके सीट कवर के साथ इसको हमने वुडन मैच किया हुआ है तो इट गिव अ वेरी ग्रेट लुक टू योर कार इंटीरियर कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमारी सीट्स आप ये देख सकते हैं जो हमने इसके अंदर की हैं, ये एग्जैक्टली कलर, रात को वीडियो शूट हो रही है तो इस करके थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि नहीं समझ आ रहा, बट ये वेनिला कलर है, इसको ऑफ वाइट भी बोल सकते हैं, जो आपकी कार के इंटीरियर के साथ जो आपके डोर्स के साथ बिल्कुल मैच करता है एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही ये कलर है। और सीट कवर की फिट फिनिश किस तरीके से लगा हुआ है, किस तरीके से हम लोग लगाते हैं, सीट अपॉलिसी की बात करता हूँ मैं, वो किस तरीके से होती है तो वो कुछ इस तरीके से होती है। इसमें रिंकल्स आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, रिंकल्स नहीं आते हैं। एक्स्ट्रा पैडिंग की जाती है सो दैट आपके बैक के कंफर्ट को, जो अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे हो 2-3 घंटे की, तो आपके जो कंफर्ट लेवल को इंक्रीज़ किया जा सके। अर्टिगा कार बंदा लेता है 7-seater, वो इसी करके लेता है कि फैमिली कार है, तो इस तरीके से उसकी सीट को डिज़ाइन किया जाता है कि अगर आप 3-4 घंटे किसी ड्राइव पे हो अगर अपनी फैमिली के साथ हो तो आपको बैक एक की प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। ये रियर सीट्स की मैं बात करूँ तो वो भी इस तरीके से कुछ देख सकते हो आप, एक एक पोर्स आप देख सकते हो, साइड से देख सकते हो कहीं आपको कोई भी ऐसा रिंकल या फिर कोई लूजनेस नहीं मिलेगी। ये अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे आर्मरेस्ट तो वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है, अलग से कोई कपड़ा नहीं लगाया, जो प्रॉपर फिट होती है जिस तरीके से जो तरीका है वही तरीका हम लोगों ने इसके अंदर किया हुआ है। इसकी भी फिट एंड फिनिश आप देख सकते हो आर्मरेस्ट की, कि हाउ ब्यूटीफुली कि लगी हुई है और कितना अच्छा कार का एक इंटीरियर निकल कर आ रहा है। रियर वाले डोर्स पे भी आपका जो डोर पैनलिंग हमने की है और साथ में जो बोर्डन लगाया है वो कुछ इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन है आपके सामने, ये भी नज़र आ रहा है आपको। एम्बियंट लाइट उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम डोर पैनल्स पे भी कर सकते हैं, बट हम कस्टमर की डिमांड पर लिमिटेड ही एम्बियंट लाइट लगाई गई है। साथ में स्कफ प्लेट लगाई गई है फुल वाली और लेग रूम लैम्प्स लगाए गए हैं। लेग रूम लैम्प्स जो उसके अंदर हमने लगाए हैं वो लगाए हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्ड, आप फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसके कलर्स को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो अगर आपको कोई और कलर भी चाहिए होता है तो।